हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉयल क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारी चर्चा चल रही थी। आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्यों की। दोस्तों, अभी तक फर्स्ट इकाई अर्थात यूनिट फर्स्ट और सेकेंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम में जो है हमारा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, आज से शुरू होने जा रही है यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड का पहला टॉपिक है हमारा अधिकार और कर्तव्य। दोस्तों, अधिकार और कर्तव्य इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बीए फर्स्ट ईयर की राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो कंटिन्यू क्लासेस टॉपिक वाइज टॉपिक सभी कंप्लीट कर दी गई है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की कंप्लीट वीडियो क्लासेस दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी शुरू किया है दोस्तों, तो इससे पहले के सभी वीडियो को आप कंटिन्यूअसली सीरीज वाइज देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में आपको समझने में जरा भी तकलीफ नहीं आएगी। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, कंसेप्टों को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कहीं ना कहीं लिंक होता है। जिस प्रकार से हम आज बात करने वाले हैं अधिकार और कर्तव्यों की दोस्तों, तो अधिकार और कर्तव्यों की जब हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में जब हमने शक्ति पृथक्करण को भी पढ़ा था दोस्तों, उसके अलावा जो जो हमारी जैसे जैसे कंटिन्यू क्लास आती जा रही है, उन सभी क्लासों के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने पुराने वीडियो जो पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो आपको दोस्तों सीरीज वाइज सारे वीडियो मिल जाएंगे। उनको कंटिन्यूअसली अगर आप देखते हैं, तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज पहले जाकर के आप प्लेलिस्ट में वीडियो सर्च करके उनको जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारे राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर। आज का हमारा ये जो लेक्चर नंबर है दोस्तों, लेक्चर सीरीज हमारी 9 होने वाली है। वीडियो सीरीज शायद 12 या 13 कुछ सीरियल में नंबर में आएगा। दरअसल क्या है कि हमारी क्लासों में जो है कुछ लंबी क्लास होती है, तो फिर उसमें हम एक भाग दो भाग इस प्रकार से उसको डिवाइड कर देते हैं, इस कारण से सीरीज बढ़ जाती है। बाकी हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है आज। ठीक है, जिसमें हम राइट एंड ड्यूटीज पर बात करेंगे। दोस्तों, जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, उनको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों। हमारे इस सभी लेक्चरों पर, चाहे हम बीए पढ़ा रहे हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ा रहे हो दोस्तों, सभी के लिए जो भी दोस्त किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है किसी लेक्चर को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर, किसी कंसेप्ट को लेकर अगर कोई डाउट होता है, तो उस डाउट को दोस्तों हम कमेंट के माध्यम से और साथ ही साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम क्लियर करने का कार्य करते हैं दोस्तों। इसलिए हम एकमात्र यूट्यूब पर दोस्तों बीए के लिए एक ऐसा चैनल है जो आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी देता है। व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वीडियो के एंड में भी दोस्तों आपको स्लाइड पर जो है वहां पर व्हाट्सएप के नंबर मिल जाएंगे। चाहे आप जो लिंक चल रही है नीचे, उससे भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं हमारे, और व्हाट्सएप पे हमको ज्वाइन करके और वहां से भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। यूनिट थर्ड, यूनिट थ्री पर हम आज चर्चा करेंगे, जिस पर एक समग्र चर्चा होने जा रही है दोस्तों। यूनिट थर्ड में इकाई 3 में हम 4 टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अधिकार और कर्तव्य, दूसरा टॉपिक होगा स्वतंत्रता, समानता और न्याय, थर्ड होगा संविधान का अर्थ एवं प्रकार, और लास्ट होगा दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर हम 4 टॉपिकों पर बात करेंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, जो थर्ड इकाई है, थर्ड इकाई के जो 4 टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थर्ड इकाई को कंटिन्यूअसली फॉलो किया, बिना एक भी वीडियो को स्किप किए दोस्तों, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेकेंड प्रश्न पत्र को भी समझने में, और साथ ही साथ में जब सेकेंड ईयर में दोस्तों जब आप संविधान वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें को भी समझने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ये थर्ड इकाई का एक भी वीडियो मिस किया, अर्थात इन 4 टॉपिक 4 पॉइंटों में टॉपिकों में से अगर एक भी टॉपिक की क्लासेस मिस की, तो कहीं ना कहीं आपको सेकेंड ईयर में भी इसका हर्जाना भुगतना होगा। वो जब थर्ड ईयर में दोस्तों आप लोक प्रशासन का अध्ययन करेंगे, तो लोक प्रशासन भी आपको इन की पॉइंटों के बिना, इन टर्मिनोलॉजी के बिना आपको समझ नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्टी उनको समझने में आएगी।
दरअसल होता क्या है, बहुत सारे मेरे से दोस्त हैं जो आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दोस्तों पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया है पॉलिटी को समझना। तो अब जब मैं कहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा तो उनको लगेगा सर ये क्या है, जबकि उन शब्दों को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो पहले से प्रोवाइड कर चुका हूं, पहले शुरू से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो जो मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी आज का लेक्चर अटेंड करने में, लेकिन जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको किसी न किसी टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से बोलता हूं दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं तो शुरू से कीजिए, शुरू के एक भी वीडियो मत छोड़िए दोस्तों, शुरू से एक नंबर से आप क्लासेस अटेंड करना चालू कीजिए। ज्यादा नहीं है, मात्र अभी तक टोटल 12-13 वीडियो हुए हैं और वो भी लगभग 30 मिनट के वीडियो है दोस्तों, ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, बाकी आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप मुझ पर विश्वास रखिए दोस्तों, आपका एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अधिकार और कर्तव्यों वाला टॉपिक दोस्तों, आज हमारा इससे शुरुआत होगा। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टॉपिक में, इस पूरे टॉपिक में, अधिकार और कर्तव्य वाले टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे, जिस पर एक समग्र चर्चा होगी, सभी को व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि अधिकारों का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, अधिकारों को समझेंगे इसका अर्थ क्या हो सकता है, साथ में दोस्तों सामाजिक अधिकारों, राजनीतिक अधिकारों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड चालू होने वाला दोस्तों कर्तव्य, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बताया था कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, अगर जहां अधिकार है अगर वहां कर्तव्य नहीं होंगे दोस्तों तो वहां पर निरंकुशता आ सकती है, वहां पर जो है वहां पर संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ जनता को अधिकार दिए जाए तो। तो अधिकारों के साथ में कर्तव्य होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संबंधों को देखेंगे, उसके अंतरों को समझने का भी हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, जैसा कि हम प्रति लेक्चर में अभी तक करते आए हैं कि टॉपिक शुरू करने से पहले उस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न दोस्तों हम पहली स्लाइड में ही आपके सामने रख देते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम अच्छे से पढ़ते हैं, और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चनों को पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमते रहे। इन सभी क्वेश्चनों को आप सीरियसली पढ़िए, इनको पढ़ेंगे उसके बाद में जब दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरे टॉपिक में कहीं ना कहीं आप इन प्रश्नों के आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, और जब आपका माइंड दोस्तों उस टॉपिक में अपना आंसर ढूंढने का प्रयास करेगा तो आपका जो माइंड है दोस्तों पूरा पूरे टॉपिक में पूरे टाइम अलर्ट रहेगा। ठीक है, जिससे पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए तो ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों पांचों क्वेश्चनों की डिमांड क्या है जरा इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अधिकार किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर अधिकारों का अर्थ पूछा गया है, जो हमें पूरे टॉपिक में सर्च करना है कि अधिकारों का अर्थ क्या है, है ना, और अधिकारों का वर्णन कीजिए, अधिकारों का अर्थ बताते हुए उसका वर्णन करना है, मतलब इसमें बताना है हमको कि अधिकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, कौन से अधिकारों क्या विशेषता है, तो ये एक ही स्लाइड में हमको उसको बताने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है अधिकारों की परिभाषा दीजिए, परिभाषित करना है, अधिकारों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास में 3 डिमांड क्वेश्चनों की आ चुकी है, अधिकारों का अर्थ बताना है, अधिकारों के प्रकार बताना है, और अधिकारों की परिभाषा देनी है। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 2 डिमांड है, यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक अधिकार क्या है और राजनीतिक अधिकार क्या है। दोस्तों सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों के बारे में भी हमें स्लाइड के अंदर जानना है, पूरे टॉपिक में पता करना है कि क्या इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तव्य किसे कहते हैं, अर्थात कर्तव्य की परिभाषा या उसका अर्थ देना है। कर्तव्यों के साथ, माफ कीजिएगा, अधिकारों के साथ कर्तव्य भी आवश्यक है, समझाइए कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना बहुत आवश्यक है, क्यों है यही एक्सप्लेन करना है, और अधिकार और कर्तव्यों का संबंध भी स्पष्ट करना था, दोनों का अंतर हमें बताना है। चलिए दोस्तों तो यहां से अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अधिकारों का अर्थ और परिभाषा की, कि अधिकारों का क्या अर्थ होता है, इसकी किस प्रकार से परिभाषा दी जा सकती है, किस किस ने इसकी परिभाषा दी है जो हमारे लिए उचित होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, जिससे कि आपके आपको ये टॉपिक पूरा माइंड में फिट हो जाएगा। राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति के राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य
व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। दोस्तों पॉइंटों पर जो शब्द है यहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जाती है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, और राज्य के द्वारा व्यक्ति को जो सुविधाएं दी जाती है उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अधिकारों का अर्थ राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक नैतिक सुविधाओं शक्तियों का जो है पूर्ण विकास कर सके। चलिए अब इसको थोड़ा एक व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अधिकार, अधिकार दरअसल क्या होता है दोस्तों? जो हमने लास्ट सेशन लिया था जिसमें हमने नागरिकता और नागरिक समाज की बात की थी, उसमें भी हमने अधिकार और कर्तव्यों पर थोड़ी सी चर्चा की थी। ठीक है, वहां पर भी हमने देखा था कि एक राज्य में कुछ नागरिक होते हैं जिनको विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, एक राज्य के, एक देश के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। उन विशेष अधिकारों के साथ साथ में दोस्तों कर्तव्य भी उनके पीछे पीछे चले आते हैं उन अधिकारों के साथ। ठीक है, इसी प्रकार से अब अधिकार क्या होते हैं, ये अधिकार होते दरअसल क्या है? देखिए, अधिकार किसी राज्य के द्वारा किसी देश की सरकार के माध्यम से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जनता को दी गई कुछ सुविधाएं। याद रखिए, राज्य के द्वारा या राज्य की सरकार के द्वारा या किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जनता को दी गई राजनीतिक सुविधाएं या अन्य सुविधाएं जो प्रोवाइड की जाती है उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। सिंपल सा अर्थ है, समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो राज्य के द्वारा जनता को जो सुविधाएं दी जाती है उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है, सिंपल सा है। लेकिन इसमें राज्य को एक सावधानी रखनी होती है, अधिकार प्रोवाइड करने वाली राजनीतिक व्यवस्था को एक सावधानी रखनी होती है। जब इस प्रकार के अधिकार जनता को दिए जाते हैं तो वो सावधानी दोस्तों क्या है? वो सावधानी ये है कि जब इस प्रकार के अधिकार जनता को दिए जाते हैं तो राज्य को, राज्य के लिए आवश्यक है कि वो इस प्रकार की सावधानी बरते कि किसी भी पूरी जनता में किसी भी प्रकार से भेदभाव ना हो। अर्थात इस प्रकार के अधिकार देते वक्त जनता में या नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर भेदभाव होता है दोस्तों तो पूरी जनता अपना विकास नहीं कर पाएगी, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। अर्थात अधिकार जो जनता को दिए जाते हैं सरकार के द्वारा या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, वो अधिकार इसी परिप्रेक्ष्य में या फिर कहें कि इसी लक्ष्य के माध्यम से दिए जाते हैं ताकि जनता अपने व्यक्तित्व का, प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, और जो इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती है दोस्तों वही अधिकार या वही सुविधाएं दोस्तों अधिकार कहलाते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। यहां पर अधिकारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। इनको पहले व्यवहारिक रूप से आप समझ लेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आपको ज्यादा ये स्लाइड पूरी अच्छे से जल्दी समझ आने लगेगी। अधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, इस चीज को खोलिए कि हम अभी फिलहाल किस चीज को पढ़ रहे हैं। आप अपने कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस सोचिए कि जो हमें अधिकार दिए जाते हैं दोस्तों, हमें जो अधिकार है वो कितने प्रकार के अधिकार होंगे? भाई दो प्रकार के अधिकार शायद हो सकते हैं। एक ऐसे अधिकार होंगे जिस पर सरकार आपको आकर कुछ नहीं कहेगी, जैसे कि मान लीजिए सर्दी है, सर्दी का मौसम है जैसा कि अभी है। सर्दी के मौसम में आप अपने रूम के अंदर सोते हैं या छत पर जाकर सो रहे हैं? अगर आप छत पर जाकर सोते हैं तो भी क्या आपको गवर्नमेंट मना करने आएगी, आपको कोई सरकार मना करने आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका अधिकार है जिसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन क्या वही बिस्तर अगर आप रोड पे लगा लोगे दोस्तों, और जिससे आवागमन के साधनों को जो है आवागमन करने वालों को डिस्टर्ब होगा, तो क्या उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं? तो वहां पर आपको गवर्नमेंट का कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपको रोक देगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप कर देगा, आपको रोड पे नहीं सोने देगा। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इस पॉइंट के पीछे जो भावनाएं छुपी उनको समझिए। तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं प्रकार से दो प्रकार के अधिकार मिल रहे हैं।
दो प्रकार के अधिकार, जो पहले अधिकार के जो हमने डिस्कस किया है दोस्तों, रूम या छत पर सोने का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, वो हो जाएगा आपका नैतिक अधिकार। आपके पास में एक नैतिक अधिकार है जो प्रकृति ने दिया हुआ है दोस्तों, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसे हम बोलेंगे नैतिक अधिकार, ठीक है। और वहीं जो दूसरा अधिकार है, रोड पर जो अगर सो रहे हैं आप, तो वहां पर कहीं ना कहीं आवागमन की या फिर कहें कि अन्य लोगों की जो अधिकार है उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो इस प्रकार का अधिकार उनके पास भी है। तो आप किस अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं? तो कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कानून के माध्यम से जो अधिकार बने हुए हैं, जो जनता को दिए गए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए इस कार्य में आपको आकर सरकार आकर के आप उसमें हस्तक्षेप करेगी, आपको ऐसे कार्य नहीं करने दिए जाएंगे जिससे जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस हो। तो आपकी वजह से, आपके कारण कोई और किसी और के कार्य में बाधा पड़े, ऐसे कार्य को दोस्तों हम कर्तव्य बोलते हैं। इस कर्तव्य को हमें करना होता है जिससे कि किसी को और कई अन्य मतलब अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार से किए जाए जिससे अन्य किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, अन्य किसी व्यक्ति के अधिकारों को हम छेड़ ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकारों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होगा वो होगा नैतिक अधिकार और दूसरा जो होगा वो कानूनी अधिकार, ठीक है। चलिए अब इस स्लाइड को पढ़िए दोस्तों, तो अब आपको पूरा ये समझ आएगा। नैतिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से संबंधित होता है, इसलिए इन अधिकारों के रूप में इसलिए इनको अधिकारों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्हें राज्य के द्वारा रक्षित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये नैतिक अधिकार है। अगर आप अच्छा करते हैं तो समाज में आपकी जो है तारीफ होगी, और अगर आप वहीं पर अगर इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, गलत वे में लेकर जाते हैं दोस्तों, गलत कार्य करते हैं, तो फिर आपका जो है अपमान सहना पड़ेगा समाज के अंदर। इस प्रकार से ये आपकी नैतिकता के ऊपर निर्भर करता है कि आप इन अधिकारों का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो सेकेंड अधिकार हो जाएंगे कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा जनता को दिए जाते हैं, ठीक है। तो कानूनी अधिकार कौन से हो जाएंगे? जो राज्य के द्वारा जनता को दिए जाते हैं। तो कानूनी अधिकारों की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है, जिनका उल्लंघन दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। कानूनी अधिकारों के भी दो भेद हो सकते हैं, एक सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कानूनी अधिकार भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। दोनों अधिकारों के बीच में क्या अंतर हो सकते हैं आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ विचारकों की जो है परिभाषाओं को लेकर आए हैं, जिनमें प्रथम व्यक्ति हमारी परिभाषा देने वाले भोसांके साहब है, श्रीनिवास शास्त्री जी है और लिकॉक है। इन तीनों की द्वारा परिभाषा जो दोस्तों दी गई है वो मुझे ज्यादा सटीक लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसमें कोट कर दिया है। चला समझ लेते हैं इसको जरा। बोसान के साहब के द्वारा इनका कहना है कि अधिकार वह मांग है। क्या है अधिकार? मांग है। किसकी? जनता की मांग है। किससे? राजनीतिक व्यवस्था से मांग है। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मतलब कि जनता या समाज मांग करता है ऐसे अधिकारों की, और राज्य जो है उन अधिकारों को देता है अर्थात लागू करता है, ठीक है। और श्रीनिवास शास्त्री साहब का बोलना है कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों के सर्वोच्च कल्याण में सहायक हो। अर्थात कि ऐसी रीति रिवाज हो, ऐसे नियम कायदे हो, ऐसे कुछ कानून हो जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहयोग प्रदान करें, ऐसा शास्त्री साहब का कहना है। वहीं अगर लिकोक साहब की बात करें तो लिकोक साहब ने भी इनकी परिभाषा देते हुए कहा है कि कानूनी अधिकार वह विशेष अधिकार है जो एक नागरिक के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किए जाते और रक्षित तो होते हैं। राज्य के द्वारा जनता को दिए जाते हैं, एक जनता को दूसरी जनता के विरुद्ध भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अधिकार होते हैं एक जनता को दूसरी जनता के विरुद्ध दिए जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, जो अधिकार आपको दिए गए हैं, आपको अधिकार दिया गया है रोड पे चलने का, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आपके पास में एक अधिकार है कि आप स्वतंत्र रूप से रोड पे चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कुछ इस प्रकार से आप रोड पर चल रहे हैं जिससे कि अन्य व्यक्ति जो चलने वाले हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आपने घर से बाइक निकाली और जू जू करते हुए बाइक चला रहे हैं रोड पे, पूरी रोड को आप कवर करते हुए चल रहे हैं और बाकी जो चलने वाले हैं दोस्तों उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं?
तो आप उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। भाई जिस प्रकार से आपके पास वो स्वतंत्र अधिकार है रोड पे चलने का, उसी प्रकार से उन व्यक्तियों के पास भी स्वतंत्र अधिकार है रोड पे चलने का। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने अधिकारों का लुप्त उठाते हुए, आप अपने अधिकारों का फायदा उठाते हुए किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। ये आपका कर्तव्य है। अगर आप उन अधिकारों का हनन करते हैं तो कानून आपको दंडित करेगा, ठीक है, राज्य आपको दंडित करेगा। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं भी कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट पर हम आ चुके हैं। जैसे कि पहले पॉइंट के अनुसार अर्थ और परिभाषा हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब जो हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे दोस्तों सामाजिक अधिकारों की। और सामाजिक अधिकारों पर बात कंप्लीट करने के बाद में फिर हम बात करेंगे राजनीतिक अधिकारों की। उसके बाद हम कर्तव्य पर मूव करेंगे, कर्तव्य समझेंगे और फिर अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या संबंध है इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। चलिए तो एक एक करके दोस्तों 6 पॉइंटों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, रोजगार, शिक्षा और जीवन का अधिकार। ये जो 6 अधिकार है बहुत आवश्यक है दोस्तों। यही अधिकार है जिन्होंने लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को, अर्थात हमारे भारत की लोकतंत्र व्यवस्था को अभी भी मजबूत बनाए रखा है। अगर ये 6 अधिकार नहीं होंगे दोस्तों तो जनता को, जनता के यहाँ जनता का पूरी तरह से जो है एक जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है हमारे देश में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी। और ये जो 6 अधिकार है दोस्तों, इन्हीं 6 अधिकारों को हम मूल अधिकार भी कहते हैं। यही हमारे मूल अधिकार है। कहीं ना कहीं आपने अभी संविधान तो नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने नाम तो सुना होगा कि मूल अधिकार हमें दिए गए हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। तो वही मूल अधिकार दोस्तों, यही 6 मूल अधिकार हमारे पास में है। तो इनका एक एक करके इनका बेसिक हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जब हम सेकेंड ईयर में पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा कि वाकई में मूल अधिकार होते क्या है, अनुच्छेदों के साथ में, संविधान के पूरे भाग के साथ में कौन से भाग के अंदर ये दिए गए हैं, कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक आपको आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, इसी प्रकार से कौन से मूल अधिकार का कोष के साथ में कौन सा मूल कर्तव्य चिपका हुआ है, निबंधन लगे हुए हैं, इन सभी बातों का डिस्कस आगे वाले सेकेंड ईयर में हम करने वाले भी हैं। चलिए यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक समझना है दोस्तों, इनको समझने का प्रयास करना है कि किस किस प्रकार के ये अधिकार है। तो इन पर हम एक एक करके छोटी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको दिमाग में फिट हो जाए। चलिए समानता का अधिकार दोस्तों, समानता से आप क्या समझते हैं, स्लाइड में आपके लिए लाया हूं, आप आराम से पढ़िएगा, ठीक है। बस मैं आपको इसका व्यवहारिक रूप समझाते चल रहा हूं जिससे कि आप एक बार समझ लेंगे तो इसको पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी इस नोट्स को दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, है ना, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, पूरा एक अलग से फाइल बनाइए उसमें सेव करके रखिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे रिविजन के लिए यही काम आने वाला है आपको। एग्जाम से पहले मात्र 1 घंटा लगेगा दोस्तों पूरी पॉलिटी का रिविजन करने में इन स्लाइडों के माध्यम से, 1 या मुश्किल से 2 घंटे, ठीक है। इस 2 घंटे में पूरा रिविजन हो जाएगा आपका, और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है आपका, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, चलिए हम बात करते हैं कि हमारा समानता का अधिकार क्या होता है। समानता, जैसा कि शब्द स्पष्ट बोल रहा है कि समानता का अधिकार, अर्थात राज्य कोई भी सुविधा या राज्य कोई भी स्कीम जो योजनाएं आती है या कोई भी लाभ जब जनता को प्रोवाइड करेगा, जब जनता को देगा, नागरिकों को देगा, तो उस जनता के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य अपनी सुविधाओं को देते वक्त जनता के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, सबके साथ समानता का व्यवहार करेगा, उसी को हम बोलते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। तो ये हर नागरिक के पास में ये अधिकार है कि उसके साथ में राज्य किसी प्रकार का भेदभाव न करे, अर्थात कि आप जाते हैं तो आपसे किसी और प्रकार का व्यवहार किया जाए और किसी अन्य व्यक्ति से, अगर मान लीजिए कोई हाई क्लास व्यक्ति है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और आप वहां जाते हैं तो आपको कोई जो वहां पर कोई पूछ नहीं रहा है, तो इस प्रकार का भेदभाव वहां पर किसी प्रकार से राज्य न करे। अब राज्य का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, राज्य का अर्थ सरकार की कोई भी संस्था, ठीक है, सरकार की किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था आपके साथ भेदभाव नहीं करेगी,
ठीक है, चलिए। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम राजनीतिक समानता का अधिकार भी इसमें जोड़ते हैं, सामाजिक समानता का अधिकार और आर्थिक समानता का अधिकार। तो तीनों अधिकारों को हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली करते हैं। राजनीतिक समानता का अधिकार अर्थात कि आपको मत देने से, वोट देने से या फिर चुनाव में खड़ा होने से कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। समाज में रहने से सामाजिक सुविधाओं का लुप्त उठाने में भी आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ में आर्थिक रूप से, अर्थ रूप से आप कितना पैसा कमाते हैं दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार पैसा कमा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपके साथ कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार को आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास करने का भी उसके पास अधिकार है। इस अधिकार में राज्य किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ दिया। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रणहीनता ना होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। यहाँ पर छोटी सी एक बात ये कर दी गई है कि कुछ लोग स्वतंत्रता को किस रूप में परिभाषित करते हैं कि नियंत्रणहीनता से। नियंत्रणहीनता अर्थात क्या कि नियंत्रण हटा दीजिए उसी को हम स्वतंत्रता बोल देंगे। लेकिन नियंत्रण हटाना और स्वतंत्रता में काफी बड़ा डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। स्वतंत्रता उस शब्द को इंगित करता है जो समाज के विकास में सहयोग प्रदान करे। वही नियंत्रणहीनता अर्थात नियंत्रण हटा देना अराजकता की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अधिकार है उसी प्रकार से नियंत्रणों का होना भी अति आवश्यक है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का अनुचित रूप से इस्तेमाल करके उस समाज में अराजकता फैला सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों तो वहां पर नियंत्रणहीनता ही नहीं बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करें, इसी को बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने 6 पॉइंट यहाँ पर डाले हैं दोस्तों। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल है, विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का विचार इसमें शामिल है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है दोस्तों। ये 4 पॉइंट जो आप देख रहे हैं कौन कौन से, व्यक्तिगत, विचार, अभिव्यक्ति, अंतःकरण और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 4 अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं, सम्मिलित होते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे हम दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या होता है, एक छोटा सा जानकारी मैं दे दूं आपको। संपत्ति का अधिकार दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार भी हमारे मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 42वां संविधान संशोधन करने के करके और उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके उसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए। संपत्ति के अधिकार का अर्थ व्यक्ति अपने द्वारा कमाए धन को चाहे किसी भी प्रकार से खर्च करे, भविष्य निर्माण, भविष्य के लिए सुरक्षित रखे। जमीन, धन, जायदाद के रूप में व्यक्ति रक्षित कर रहे अर्थात सुरक्षित रख ले। संपत्ति को बिना मुआवजा दिए छीना नहीं जा सकता। जो उसके पास संपत्ति जो उसने अर्जित की है उस संपत्ति को बिना मुआवजे के सरकार, राज्य छीन नहीं सकता। परंतु वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनियंत्रित रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। इसका कारण है संपत्ति का अधिकार जहां एक ओर दान, दया, उदारता, स्नेह आदि मानवीय गुणों का परिचायक है, वहीं यह विषमता, भेदभाव और शोषण के दुर्गुणों से भी परिपूर्ण है। अर्थात जन कल्याण की दृष्टि से संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, ये है संपत्ति का अधिकार एक इस प्रकार का अधिकार है दोस्तों कि कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं के आधार पर इतनी ज्यादा संपत्ति अर्जित कर ले, कि समाज का अर्थात देश का, उस राज्य का एक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने पास सुरक्षित रख के भेज जाए जिससे पूरे देश में अराजकता फैल जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के नियंत्रण राज्य को रखना होता है ताकि देश में समानताएं बनी रहे, जो है व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किस पर, आर्थिक स्वतंत्रता पर। चलिए अब बात करते हैं रोजगार का अधिकार दोस्तों। तो रोजगार का अधिकार मैं आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। रोजगार का अधिकार सिंपल सा है
किसी भी व्यक्ति को रोजगार करने का पूर्ण अधिकार होगा, उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा सिवाय कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे कि एक इंजीनियर के लेवल का जो अधिकार होगा दोस्तों, उसमें एक छोटा सा भेदभाव ये किया जा सकता है कि इंजीनियरिंग की पोस्ट है तो इंजीनियरिंग जिसने कंप्लीट की होगी उसी व्यक्ति को वो पोस्ट मिलेगी, ये भेदभाव किया जा सकता है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपको आईएएस एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी, आपके साथ ये भेदभाव किया जा सकता है। उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है, आपके साथ ये छोटा सा भेदभाव किया जा सकता है। परंतु ये भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आपने उत्तराखंड में जन्म लिया है या हिमाचल प्रदेश में जन्म लिया है या तमिलनाडु में लिया है या केरल में जन्म लिया है, इस आधार पर आपसे जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपके धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता, आपके नाम के या आपके जो है वंश के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्वालिफिकेशन के माध्यम से ही आपके साथ छोटा सा एक व्यवहार किया जा सकता है जो कि आपकी जो है कार्य क्षमता को दर्शाता है, आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, रोजगार का अधिकार आप इसको पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आप सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, सबको पता है कि शिक्षा पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास संभव हो पाता है। शिक्षा के आधार पर ही मानव संसाधन का विकास संभव होता है। वर्तमान समाज में यह सर्वमान्य तथ्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और राज्य को धन्यवाद एवं निर्धनों तथा सभी वर्गों को शिक्षा के विषय में बिना भेदभाव की नीति अपनाए शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को अहम भूमिका निभानी चाहिए, कोई व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, यह राज्य का एक कर्तव्य होता है और राज्य को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट है दोस्तों जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का यह अधिकार उपरोक्त अधिकारों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे अगर आपके पास अगर जीवन ही नहीं होगा तो अन्य अधिकारों को आप लेकर करेंगे क्या? ठीक है, तो इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जीवन का अंत ना कर सके, कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार कोई भी व्यक्ति इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य इस अधिकार से किसी भी हालत में वंचित नहीं करेगी बिना विधि का उपयोग करे। ठीक है, जिस प्रकार से कि एक फांसी की सजा दी जाती है तो वो जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जाता है फांसी की सजा में। ठीक है, तो फांसी की सजा दोस्तों विधि द्वारा निश्चित होती है, विधि के माध्यम से अर्थात एक कानून के माध्यम से उससे ये अधिकार छीना जा सकता है। राज्य एक कानून के द्वारा ये अधिकार उससे छीन सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार जो होता है दोस्तों इसी अधिकार में निहित होता है, जीवन जीने के अधिकार में निहित होता है। और इसके अलावा काफी सारे अधिकार ऐसे हैं जो जीवन जीने के अधिकार में अब सुप्रीम कोर्ट हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने अब इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत थर्ड पॉइंट पर हम बात करेंगे राजनीतिक अधिकारों की। ठीक है, अभी तक हमारे सामाजिक अधिकार हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे राजनीतिक अधिकार कि जनता को किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार राज्य के माध्यम से दिए जाते हैं, किस प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आप सारे अधिकारों से भली भांति रूप से परिचित हैं, सिर्फ मैं आपसे उनका परिचय करवा देता हूँ। परिचय करवाते ही दोस्तों आप सारे अधिकारों को भली भांति रूप से समझ लेंगे। मत देने का अधिकार, ये कोई नया नहीं है दोस्तों, चलिए एक बार इसकी हेडलाइन पढ़ लीजिए। राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन के प्रबंधन अर्थात सरकार में भाग लेता है। और साधारणतया प्रजातंत्रात्मक राज्य नागरिकों को निम्न अधिकार प्रदान करते हैं, जैसे प्रथम है मत देने का अधिकार। अरे भाई वोट देने का अधिकार आप सभी को पता है, समझाने की कोई आवश्यकता इसमें मुझे महसूस नहीं होती है। नेक्स्ट है निर्वाचित होने का अधिकार, भाई किसी भी चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं, अगर आपकी क्षमता है, अगर जनता आपको पसंद करती है, अगर आपको लगता है कि आप कोई चुनाव जीत सकते हैं तो बिना किसी भेदभाव के आप किसी भी चुनाव के लिए दोस्तों अपने आप को निर्वाचित होने के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्वाचित होने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार, आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है शासन की आलोचना करने का अधिकार, दोस्तों अगर आपको लगता है कि सरकार उचित कार्य नहीं कर रही है,
लोकतंत्र में जनता ही प्रमुख होती है, ठीक है। और इस प्रकार से अगर सरकार उचित कार्य नहीं कर रही है, जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है दोस्तों, तो आप सरकार की एक लिमिट के अंदर आलोचना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों हम अभी तक हमारी चर्चा हुई है अधिकारों पर, कि अधिकार तो हमने देख लिए, अधिकारों का तो पूरा लुत्फ उठा लिया। अब जरा थोड़ा सा हम कर्तव्यों पर भी एक दृष्टि डाल लें कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार तो हमें है कि हम छत पे सोए या रूम में सोते हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य ये भी है कि हम रोड पे ना सोए। क्यों? क्योंकि अगर रोड पे सोएंगे तो किसी और की नींद खराब हो जाएगी, किसी को और आना जाना खराब हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से आप किसी और के अधिकारों का हनन कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी आपको पालन करना होता है, और उसी प्रकार के कुछ कर्तव्य हैं जिनको हम यह देखने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य का अर्थ है करने योग्य कार्य। राजनीति विज्ञान में कर्तव्य का अर्थ केवल उन कार्यों से नहीं है जिन्हें करने या ना करने की छूट व्यक्ति को होती है, बल्कि उन कार्यों से भी है जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए बाध्य होता है। और अगर इस प्रकार से व्यक्ति उनका पालन नहीं करता है तो राज्य उसको इस कार्य हेतु दंडित भी कर सकती है, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा था कि हमारे पास में दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक होता था नैतिक अधिकार और दूसरा था कानूनी अधिकार, उसी प्रकार से दोस्तों कर्तव्य भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक कर्तव्य होता है नैतिक कर्तव्य और एक होता है दोस्तों कानूनी कर्तव्य, ठीक है। तो नैतिक कर्तव्य, जिस प्रकार से नैतिक अधिकार हमारे पास थे जो राज्य के द्वारा तो नहीं दिए गए थे बल्कि प्रकृति के द्वारा शुरू से ही हमें प्राप्त थे, इसी प्रकार से कुछ कर्तव्य भी दोस्तों ऐसे होते हैं कि अगर हम कोई कार्य ना करेंगे, अगर कोई कर्तव्य ना करें, उस कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो राज्य तो हमको दंडित नहीं करेगा परंतु हमारे समाज में हमारे जो है अपमान, हमको अपमानित तो होना पड़ेगा या अपमान महसूस हमें अपने आप में होगा, ठीक है। जैसे कि नैतिक कर्तव्यों का संबंध मनुष्य के अंतःकरण से होता है, इस प्रकार हालांकि ये कर्तव्य राज्य द्वारा संरक्षित नहीं है, अर्थात राज्य के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, परंतु इन कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर मनुष्य को लोक अपमान या लोक निंदा या सामाजिक बहिष्कार आदि दंडों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कानूनी कर्तव्य। अब ये कानूनी कर्तव्य क्या होते हैं? ये ऐसे कर्तव्य हैं जिनका पालन राज्य के प्रत्येक नागरिक को करना ही होता है, करना ही होता है, ठीक है। और ऐसे प्रकार के कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर राज्य आपको दंडित कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक अपने राज्य के प्रति भक्ति भाव रखे और आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा में भाग ले। तो ये एक हमारा नागरिक होने के प्रति प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने राज्य के प्रति जो है राष्ट्रभक्त बने रहें, अर्थात राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, और साथ ही साथ में जब भी देश को हमारी जरूरत पड़े दोस्तों तो हम बिल्कुल बिना किसी से सवाल उठाए, सवाल जवाब किए, अपने देश के लिए हमेशा के लिए खड़े हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सच्चे नागरिक को राज्य के कानून और आदेशों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देश का सच्चा नागरिक है दोस्तों तो वो किसी कानून को नहीं तोड़ेगा, संवैधानिक व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करेगा। नेक्स्ट है राज्य अपने दायित्व और लोक हित के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने नागरिकों से कर वसूल करता है। नागरिकों को कर का ईमानदारी से भुगतान करना चाहिए। एक ईमानदार नागरिक का एक कर्तव्य ये भी होता है कि वो अपने टैक्स का अर्थात कर का पूरी ईमानदारी से भुगतान करे, जिससे कि देश की शासन व्यवस्था अच्छे से संचालित होती रहे। चलिए अधिकार और कर्तव्यों में संबंध दोस्तों, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करेंगे अधिकार और कर्तव्यों के बीच में क्या क्या संबंध है। तो ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में अब तक आपको खुद क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे में संबंध है, ये आप भली भांति रूप से अब तक समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी दो चार लाइन के अंदर हम इसको और समझने का पूरा प्रयास कर लेते हैं कि अधिकार और संबंधों में किस किस प्रकार के जो है डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, किस किस प्रकार का संबंध दोनों के बीच में हो सकता है, इसको एक अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसा कि मैंने बार बार रिपीट किया है ना, अधिकारों के साथ कर्तव्य हमेशा चिपके रहेंगे, अर्थात एक सिक्के के दो पहलू इनको कह सकते हैं। दोनों ही सामाजिक प्रकृति के हैं तथा दोनों साथ साथ रहते हैं। चलिए
वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अधिकार नहीं होंगे तो कर्तव्यों का कोई अर्थ नहीं होगा, और अगर अधिकारों में से कर्तव्य को हटा दिया जाए तो अधिकार दोस्तों समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित है और एक के समाप्त होते ही दूसरा भी अपने आप समाप्त हो जाता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही दोस्तों समाज की एक मांग है। जैसे यदि जीवन जीना, जीवित रहना मेरा अधिकार है, तो यह मेरा कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों को भी जीवित रहने दूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हमारा ये सेशन थर्ड यूनिट का ये पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। इसमें चार टॉपिक हमारे और बचे हैं जिनका क्रम वाइज हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट डे कल भी मैं आपको दो लेक्चर दोस्तों थोड़ा सा स्पीड से हम इसे लेकर चल रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रश्न पत्र प्रथम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं पास में अब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से भी मुझे कहा जा रहा है कि सर थोड़ा जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो उसी में दोस्तों मैं भी आपके लिए लगा हुआ हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, एक दिन में दो दो लेक्चर आपको दे रहा हूँ दोस्तों। वहीं पर मुझे सेकेंड ईयर में भी पढ़ाना होता है, थर्ड ईयर में पढ़ाना होता है, और साथ ही साथ में दोस्तों सुबह मॉर्निंग में एक लेक्चर ऑडियो लेक्चर लेकर आता हूँ, जिसमें मैं करंट अफेयर देना मैंने प्रारंभ किया है। तो अगर आप उसको दोस्तों 10 से 15 मिनट का एक ऑडियो लेक्चर होता है दोस्तों, उसको जरूर सुन लीजिए, जिससे कि आपका जो जीके है, जो जनरल नॉलेज है दोस्तों, वो अपडेट होता रहेगा, आपको उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जो मेरे नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, जो पहली बार वीडियो को देखे हैं दोस्तों, अगर उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज लास्ट की पिछली जितनी भी क्लासे हैं सभी को देखिए। आज मैं फर्स्ट ईयर में आपके साथ बात कर रहा हूँ दोस्तों, सेकेंड ईयर में भी मैं यहीं से आपके साथ बात करूंगा, अर्थात सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में भी मैं आपके साथ इसी प्रकार से बना रहूंगा, इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूंगा। और कभी भी आपसे किसी भी क्लास का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी सभी क्लासे आपको निःशुल्क पढ़ाई जाएंगी। बीए के बाद अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, वो सारी तैयारी मैं खुद आपको इसी प्लेटफॉर्म पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, अभी जिस प्रकार से कमेंट के माध्यम से मेरे पास डिमांड आ रही दोस्तों, बीए का जो अभी एग्जाम आने वाला है, 1-2 महीने में ये एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी शुरू इसी प्लेटफॉर्म पे अभी से कर देंगे दोस्तों, ताकि आपका बीए कंप्लीट होते होते आपका जो है 70 से 80% आपका सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो जो नए हैं उनको बता दूं मैं जरा कि जो डाउट है दोस्तों, डाउट क्लियर करने के लिए हम कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर से भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये नंबर दिए गए हैं, इस मेरे खुद के नंबर है दोस्तों, जो मैंने आपके लिए छोड़े हुए सार्वजनिक कर दिए। यहाँ पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब अपने में डाउट पूछ सकते हैं, और साथ में जो ये पीपीटी है दोस्तों, जो नोट्स है, क्लास नोट्स, इनको डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर, नोदा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप ये सभी जो नोट्स हैं दोस्तों वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।